friends, welcome to my channel Good Morning to Good Night. Here I am Vedi Manju Yadav, personality development trainer. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ idiom phrases की वीडियो. जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है वो आपने लर्न कर ही ली होंगी, तो मेरे साथ आइए लर्न करते रहिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाते रहिए. idiom phrases का यूज करके हम अपनी लैंग्वेज को और पावरफुल बना सकते हैं. जैसे कि है 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. ये तो फेमस मुहावरा है ना, जैसे कि लोग यूज करते ही है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. 9 days wonder, 9 days wonder. नेक्स्ट है, जैसे कभी कभी मूसलाधार बारिश होती है तो उसे हम उसके लिए हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग. तो उससे हमें पावरफुल सेंटेंस बन जाएगा हमारा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग. इसे यूज कर सकते हैं हम मुश्किल वक्त के लिए बचाना, सेविंग करते हैं हम, जैसे उसके लिए हम बोलते हैं सेव फॉर ए रेनी डे. तो फ्रेंड्स, आप ये सारे idiom एंड फ्रेजेस मेरे साथ एक दो बार रिपीट करेंगे, वो आपको लर्न हो जाएंगे और आप उन्हें अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. जैसे बहुत गुस्सा आना, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसे हम बोलते हैं स्टॉर्म इन टी कप. जैसे कि छोटी सी चीज में बड़ा उबाल आ जाना, तूफान आ जाना, बहुत तेज जब गुस्सा आता है तब उसे हम उसके लिए हम यूज करेंगे स्टॉर्म इन टी कप. दूध का जला छाछ में भी फूक मार मार कर पीता है. दूध का जला छाछ में भी फूक मार मार कर पीता है, उसके लिए हम यूज करते हैं अ बर्न चाइल्ड ड्रेस द फायर. दुम दबा कर भाग जाना, किसी चीज से डर जाना या जैसे बचना, किसी काम को लेके बचना. हमने किसी से कोई काम बताया और वो नहीं करना चाहता तो उसे कहते हैं दुम दबा कर भाग जाने को बोलते हैं टू टर्न टेल्स. जैसे कि हम जा रहे हैं, हमने किसी को काम बताया और वो सामने से आ जाए, देख के पीछे से बैक ले लेता है, तो उसे हम बोलते हैं टू टर्न टेल्स. बहुत खुश होना, बहुत ज्यादा जब हम एक्सट्रीम हैप्पी होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि बी ऑन क्लाउड नाइन. तो वो पता चल जाता है, एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, उसके लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, इन्हें बोलते हैं idiom एंड फ्रेजेस. मेरे साथ लर्न करते रहिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाते रहिए. आई एम वेदी मंजू यादव. अस्वस्थ होना, जब अनवेल फील करते हैं उसके लिए हम idiom फ्रेजेस यूज करेंगे. अंडर द वेदर. जैसे कि कोई ऑफिस नहीं आती हमारी, कोई भी अकाउंटेंट या कोई, तो हम उसको बोलते हैं सी इज अंडर द वेदर, दैट्स व्हाई सी कैन नॉट कम. शांत स्वभाव का होना, अरे राहुल तो बड़ा शांत स्वभाव का है, तो शांत स्वभाव के लिए हम क्या बोलेंगे, बी काम जैसे यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए idiom फ्रेजेस है, उसे बोलते हैं कूल एज कुकुम्बर. कठिन काम होना या असंभव होना, कोई भी चीज, होल्ड वाटर. जैसे कि पानी को हम पकड़ नहीं सकते, असंभव, इम्पॉसिबल है ना, तो ऐसे ही हम इन idiom एंड फ्रेजेस का यूज करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा सकते हैं. सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक पे वीडियो लाती रहूंगी. आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो मेरी शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.